दफातर के चक्कर लगाते हैं ये लोग, लेकिन उसके बाद ये परमिशन हासिल करने के बाद इनको एक नाले में धकेला जाता है। मैं आपको बताता चलूं, ये ट्राइबल्स लोग हैं, ये देखिए हमारे माए बहने भी हैं इसमें, ये लोग परेशान हाल हैं, लेकिन पुरसाने हाल कोई नहीं है। मगर रोड को बिल्कुल बंद रखा गया है और एक हैरेसमेंट की जा रही है हमारे साथ। आपने लेके गाड़ी में आया था ये पैदल कर, मैं इनको कहां से खिलाऊं, किराए से मजबूर हूं मैं, मार के जा रहे हैं, चले के आगे हम कैसे जाएंगे, पैदल बाल बच्चा यहाँ सदी दे हम चलता रहे जने पैदल, उस वाले बाद ना गड्डी दी ना कोई चीज दी, हम पैदल जा आज भी पैदल जा आज भी आई केरो क्या आज नहीं जान देता है आई तेरो और के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। ये लोग जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये ट्राइबल्स हैं, ये वो लोग हैं जो 6 माह के लिए ढोक में जाते हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए सरकार बड़े बड़े दावे और वादे करती है, लेकिन इनके साथ जुल्म तशद्दुद हुआ है। इनके साथ आज जुल्म ये हुआ है कि अपना माल मवेशी लेकर वाया मुगल रोड या अपनी ढोक में जा रहे थे कि बफलियाज के मकाम पर इन लोगों को रोका जाता है, इनको गाड़ियों से उतारा जाता है और इनको एक नाले में रात गुजारने के लिए मजबूर किया जाता है। आखिर कदर नहीं थी, फिर इन लोगों को जो है वो 5-8 दिन लगते हैं परमिशन लेने के लिए। आखिर वजह जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर नौजवान भी हैं। सर आपने आप ट्राइबल फैमिली से हैं, गुजर बकरवाल हैं सारे, आप परमिशन भी लेते हैं सब कुछ, फिर आज क्या वाक्या हुआ? जी सुबह हम थन्ना मंडी से चले हैं, रात को पैदल माल हमारा आया थन्ना मंडी में, हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई है, वहाँ से हम पैदल आए यहाँ पर। यहाँ पर हमने माल 10 मिनट के लिए रुकाया है, माल थका हुआ था, हम भी थके हुए थे। अचानक पुलिस की एक गाड़ी आती है, वो यहाँ पर आकर हमारी गाड़ियों के जो है टायर पंचर कर देती है, वो हवा निकाल कर यहाँ से चली जाती है नीचे, उसके बाद कहती है कि आप नीचे आइए बात करिए, हमें इसके लिए किससे बात करनी पड़ेगी। हमें जो परमिशन मिली है वो एडमिनिस्ट्रेशन से मिली है, वो तहसीलदार साहब ने हमें जो है ये परमिट इशू किया है कि आप इस परमिट के सहारे से आप जो है अपने डोकू में 6 महीने के लिए जा सकते हैं, लेकिन इस परमिट की हमारे पास कोई कदर नहीं है। यानी मुगल रोड को बंद रखा रास्ते में हमारे मवेशी जो है, उसका आखना चाहते हो कि किस तरह बकरवाल कश्मीर उम्र सारी हम जाता रहा, आज हम खज्जल किया जी। तुस गल करो, क्या आना चाहते हो शाहिद साहब की? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरात मैं गुजर कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ, माल मवेशी लेकर हम कश्मीर जा रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से तकरीबन 400 साल हमारे जो माँ बाप है वो सब हमारा पेशा यही है। 6 महीने हम ऊपर ढोक में रहते हैं, 6 महीने से बाद हम वापस आ जाते हैं। थन्ना मंडी में हमको कोई नहीं, जब मजिस्ट्रेट साहब हमको परमिशन इशू कर देते हैं, यहाँ बहराम गला और बफलियाज में हमको बहुत दिक्कत होती है हर वक्त। दो दो दिन हमको यहाँ से माल डक कर ये नाले में फेंक दिया है, हमारे कोई पर्सन हाल नहीं है, हमको ये परमिशन दिया हुआ है, इसकी कोई कदर कीमत नहीं। माल इस वक्त लेकर गाड़ियों के पंचर, वो हम पैदल माल लेकर जा रहे थे, हमारी गाड़ियाँ वो लगी हुई हैं पार, उसके ऊपर जो उनके टायर पंचर करके एक जमात आई वो वापस चले गई है। आखिर हम करेंगे कि हमारे साथ ये इतनी बेइंसाफी है क्यों है? बिल्कुल, ये लोग ट्राइबल्स हैं और इन लोगों की मैं कैमरामैन से थोड़ी गुजारिश करूंगा कि वो आराम से दिखाएं कि ये जो माल मवेशी है ये दूध देने वाला माल है, ये भैंसें हैं और इन लोगों का जो गुजर बसर है ये इसी पर चलता है, ये लोग इसी का दूध बेचते हैं और अपनी ज़िंदगी के जो अखराजात हैं वो पूरे करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दफातर के चक्कर लगाते लगाते इन लोगों ने जो परमिशन हासिल की उसके बाद भी लोगों को मुगल रोड पर नहीं जाने दिया जा रहा। हम ये पूछना चाहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि मुगल रोड पर आखिर ऐसी वजह क्या है कि अगर वहाँ पर जाने के लिए परमिशन की दरकार है, आखिर ऐसा जुल्म और ज़्यादती क्यों है, आखिर ये जुल्म और बर्बरियत राजौरी पुंछ की आवाम के साथ क्यों है? यहाँ के लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं रोड खुलवाने के लिए, यहाँ के लोग, यहाँ का पेशेंट बीमार जो है, पेशेंट है कैंसर पेशेंट, वो श्रीनगर जाकर डॉक्टर को दिखा रहा है लेकिन उसको पहले परमिशन की ज़रूरत है, वो अगर कोई अपने रिश्तेदार के पास जा रहा है उसको परमिशन की ज़रूरत है, और भाई यहाँ से वहाँ जाना है, ये हिंदुस्तान की रोड है, ये जम्मू कश्मीर की रोड है, ये राजौरी पुंछ के उन लोगों की रोड है जिन लोगों ने अपने खून पसीने से ये रोड बनाई है, ये मुगल रोड यहाँ के लोगों की बुनियादी सहूलत के लिए बनाया गया था, ना कि लोगों को परेशान करने के लिए। जब ये रोड नहीं थी तब ये लोग आराम से जाते थे, कोई नहीं पूछता था, आज मुगल रोड बनाई गई, इन लोगों को रोका गया, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? लेफ्टिनेंट
गवर्नर को इस बात का संगीन नोटिस लेना चाहिए कि मुगल रोड को बंद रख के आखिर इंतजामिया क्या साबित करना चाहती है, आखिर इन ट्राइबल्स के साथ ये जुल्म और ज्यादती क्यों की जाती है। हम उम्मीद करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि आप जल्द अज जल्द इस पर नोटिस लें और इस रोड को जो है आमदोरफ्त के लिए, आम आमदोरफ्त के लिए, इसमें पेशेंट भी जा सकता है, इसमें गुजर बकरवाल जा सकता है, इसमें स्टूडेंट जा सकते हैं, इसमें कोई सैर तफरी के लिए भी जा सकता है, लेकिन हम इंतजामिया से अपील करेंगे, गवर्नर से अपील करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अगर आप हमारी ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो हम आपसे अपील करेंगे कि इस रोड को आमदोरफ्त, आम आमदोरफ्त के लिए जल्द अज जल्द खोला जाए। ये राजौरी पुंछ की आवाम के साथ इस्तेसाल है, पिछले 70 साल से ये आवाम पिसती जा रही है लेकिन आज भी जुल्म और बर्बरियत का राजौरी पुंछ की आवाम जो है वो सरकार है। बहुत पूरे दिन हमारे मवेशी वहीं पर खड़े रहते हैं। जी 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 बैरमगला में पूरे दिन पूरे धूप में जो हमारे मवेशी वहाँ पर रहते हैं, इन लोगों को कोई तरस नहीं आता इस आवाम पे कि ये मवेशी इनको धूप है, कोई इंसाफ नहीं है कि परमिट का कोई कदर कीमत नहीं है। परमिट उनको दिखाते हैं लेकिन उस पर कोई उनको पता नहीं क्या मसला है, क्योंकि पुलिस जो है परमिट को मानती नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से हमें परमिट दिया जाता है और पुलिस इसको नकार देती है और हमारे जो मवेशी हैं उनको दो दो तीन तीन दिन इसी तरह धूप में और रास्ते में भूख और प्यास से खजल और इसी तरह रहना पड़ता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये लोग अपील कर रहे हैं, लोग अपील कर रहे हैं, लोग अपील कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से, डीसी पुंछ से, डीसी राजौरी से, डीसी शोपियान से कि जल्द अज जल्द मुगल रोड को खोला जाए, लोगों की परेशानी का हल निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का कश्मीर क्रॉन के साथ।